15 अगस्त 1947 भारत की जनता आजादी के जश्न में डूबी हुई थी। चारों तरफ खुशी की लहर थी, लेकिन तीन रियासतों के लोग अभी भी असमंजस में थे, क्योंकि ना वो पाकिस्तान के हिस्सा में थे, ना भारत के, और ना ही वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे। ये रियासतें थी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, और इन्हीं तीनों रियासतों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच शतरंज का खेल चल रहा था। इस खेल का राजा था हैदराबाद। 82,000 स्क्वायर मील में फैला हैदराबाद उस दौर में भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जहां 1,60,00,000 लोग रहा करते थे, जिनमें से 85% हिंदू थे। लेकिन हैदराबाद के निजाम मुस्लिम थे और वो हर हाल में हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने पर अड़े थे। जिन्ना ये सोच रहा था कि हैदराबाद तो पाकिस्तान का ही होगा, इसलिए उसकी निगाहें थी शतरंज के वजीर पर, और यह वजीर था भारत का मुकुट कश्मीर। कश्मीर खूबसूरत तो था ही, साथ ही यहाँ की 3/4 जनता भी मुसलमान थी। हालांकि कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन इस पूरे खेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था जूनागढ़ का। शतरंज के इस बिसात का एक ऐसा प्यादा जो राजा को मात देकर पूरी बाजी पलट सकता था, लेकिन यह खतरनाक खिलाड़ी भारत की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा था। बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि कश्मीर की तरह जूनागढ़ का मसला यूनाइटेड नेशन में आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है, क्योंकि ठीक 15 अगस्त 1947 के दिन ही जूनागढ़ के नवाब ने यह ऐलान कर दिया था कि अब जूनागढ़ भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान में शामिल होगा। यानी कि सोमनाथ मंदिर और गिरिनार पर्वत जैसे महत्वपूर्ण जगह ही पाकिस्तान में जा चुकी थी। लेकिन सवाल यह आता है कि कैसे सरदार पटेल ने पाकिस्तान के जबड़े से जूनागढ़ को छीन लिया। यह जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में, जब सरदार पटेल और जिन्ना रियासतों के विलय को लेकर जिद्दोजहद कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 भारत देश का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बन गया, लेकिन बचा हुआ भारत अभी पूरी तरह से राष्ट्र नहीं था, क्योंकि साउथ में हैदराबाद, पश्चिम में जूनागढ़ और पूर्व में कश्मीर ने अभी तक स्टैंप पर सिग्नेचर नहीं किए थे। इतिहास के पन्नों को यदि पलट कर देखा जाए तो पता चलता है कि हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन अगर मैप को देखा जाए तो ये दोनों ही रियासतें पाकिस्तान से काफी दूर थी और यहाँ की जनता भी भारत में ही रहना चाहती थी। वही कश्मीर खुद को आजाद रखना चाहता था। वही कश्मीर के राजा हरि सिंह को ये लगता था कि वो अपनी रियासत को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। रियासतों को एक साथ लाकर भारत देश बनाने का काम काफी कठिन था। सबको साथ लाते लाते 15 अगस्त 1947 का वह दिन आ गया जिस दिन भारत को आजाद होना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह उम्मीद थी कि राजा अपनी प्रजा की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे और आज नहीं तो कल भारत का हिस्सा बन ही जाएंगे। लेकिन 15 अगस्त को ठीक आजादी के दिन जूनागढ़ ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अचानक हुए इस ऐलान के कारण जूनागढ़ की जनता हैरान तो थी ही, साथ ही वहाँ के लोगों में काफी गुस्सा भी था, इसलिए जगह जगह पर नवाब का विरोध शुरू हो गया। सरदार पटेल यह जानते थे कि जूनागढ़ की जनता किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती, लेकिन ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत रियासतों को अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने का या खुद को स्वतंत्र रखने का अधिकार था। इसलिए सरदार पटेल सीधे तौर पर जनता की मदद के लिए जूनागढ़ में सेना नहीं भेज सकते थे। यही कारण था कि उन्हें पाकिस्तान के जवाब का इंतजार था। वे चाहते थे कि पाकिस्तान खुद ही जूनागढ़ को अस्वीकार कर दे, क्योंकि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बने ये मुमकिन नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में असंभव था? इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें चलना होगा सोमनाथ नगरी जूनागढ़ की ओर। जूना यानी कि प्राचीन, गढ़ यानी कि किला। यहाँ पर बने 2000 साल पुराने ऊपरकोट किले के कारण इस शहर का नाम जूनागढ़ रखा गया। गिरनार पर्वत की गोद में बसा यह शहर मौर्य काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी। सोमनाथ मंदिर इसे और भी खास बनाते हैं। समुद्री इलाका होने की वजह से जूनागढ़ रियासत खूबसूरत होने के साथ साथ काफी अमीर भी थी। इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि देखा जाए तो 18वीं सदी से ही जूनागढ़ पर बाबी नवाबों का राज था। नवाब महावत खान के बारे में बताया जाता है कि उन्हें राजकाज से ज्यादा मतलब नहीं था। उन्हें असली प्रेम यदि किसी से था तो वे थे उनके पालतू कुत्ते। उनके पास करीब 800 पालतू कुत्ते हुआ करते थे, जो उन्हीं की तरह नवाबों की जिंदगी जिया करते थे। लेकिन जनता को इससे खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनके समय में जूनागढ़ में काफी शांति थी, इसलिए 80% जनता को नवाब का शासनकाल पसंद था। नवाब भी यह जानते थे कि जनता भारत में ही रहना चाहती है।
इसलिए वो भी जूनागढ़ को भारत में शामिल करना चाहते थे। लेकिन पूरा खेल बदल गया मई 1947 में, जब जूनागढ़ के नवाब शाहनवाज भुट्टो, ये वही शाहनवाज भुट्टो थे जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता और बेनजीर भुट्टो के दादा थे। कराची में पैदा हुए और सिंधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले नवाब भुट्टो मुस्लिम लीग के लीडर होने के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गहरा संबंध रखते थे। इतिहासकार और गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल और लाइफ में बताया है, जब 1947 में आज़ादी का ऐलान हुआ तब भी महावत खान यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन जैसे ही भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बने उन्होंने नवाब को पाकिस्तान में जाने के लिए राजी कर लिया। नवाब के इस फैसले से जूनागढ़ की जनता काफी परेशान थी। जूनागढ़ के कारोबारियों ने भुट्टो को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। इतिहास की गहराइयों में यदि चल कर देखा जाए तो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी यदि देखा जाए तो जूनागढ़ पाकिस्तान से काफी दूर था, फिर भी भुट्टो जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की जिद पर अड़ा था। लेकिन जिन्ना धर्म के अनुसार ही पाकिस्तान देश बनाया था, इसलिए जूनागढ़ की 80% जनता को वे कैसे स्वीकार कर सकता था, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए उस वक्त के वाइस राइस लॉर्ड माउंटबेटन समेत हर किसी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान खुद ही जूनागढ़ को अस्वीकार कर देगा, लेकिन पाकिस्तान खामोश रहा। करीब एक महीने के इंतजार के बाद अचानक 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से एक तार आया जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के इस फैसले से जूनागढ़ की जनता खौफ में थी, लेकिन पटेल यह अच्छी तरह जानते थे कि पर्दे के पीछे से यह सारा खेल मोहम्मद अली जिन्ना खेल रहा है। इस बात को इतिहासकार राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल ऑफ लाइफ में लिखा है। उनके मुताबिक जिन्ना को यह लग रहा था कि अगर दीवान और नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला देते हैं तो पाकिस्तान खुद यह मान करेगा कि जूनागढ़ के नवाब को नहीं बल्कि जूनागढ़ की जनता को फैसला करने का हक दिया जाए। जिन्ना यह सोच रहा था कि हिंदुस्तान की ऐसी मांग के बाद यदि कश्मीर के राजा भारत में जुड़ने की बात करते हैं तो वे खुद ये कहेंगे कि कश्मीर के लोगों से भी राय ली जानी चाहिए। दरअसल जिन्ना को यह यकीन था कि कश्मीर के लोग हर हाल में पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगे, इसलिए वो चाहते थे कि भारत खुद ही जूनागढ़ में वोटिंग की मांग करे ताकि पाकिस्तान की तरफ से भी कश्मीर में भी वोटिंग की मांग की जाए। जिन्ना इस शतरंज के वजीर कश्मीर को उठाना चाहते थे, इसलिए जिन्ना ने भुट्टो को जरिया बनाया। उन्हीं के इशारे पर 14 अगस्त तक भुट्टो शांत बैठे रहे, लेकिन 15 अगस्त को अचानक उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करने का ऐलान कर दिया। जिन्ना को यह लग रहा था कि उसके इस दाव से भारत दुगुनी समस्या में घिर जाएगा। एक तरफ या तो कश्मीर उसके हाथ से जाएगा या फिर जूनागढ़ उसके हाथ से जाता रहेगा। हैदराबाद को लेकर उसका सोचना था कि अगर 80% हिंदुओं के साथ जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल सकता था तो हैदराबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह उन्हें शतरंज के वजीर और राजा को जीतने की पूरी उम्मीद थी। जिन्ना के इस पूरे खेल को पटेल अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन फिर पटेल ने इस हारते हुए बाजी को कैसे जीता इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। पटेल ने नवाब महावत खान को समझाने के लिए भारत सरकार की ओर से रियासतें विभाग के सचिव बीपी मेनन को भेजा, लेकिन नवाब की जगह भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई। भुट्टो ने उनके हर एक सवाल का गोलमोल जवाब देकर वापस उन्हें भेज दिया। पटेल यह समझ चुके थे कि नवाब और भुट्टो से अब बात करने का कोई फायदा नहीं। जूनागढ़ से निकलने के बाद बीपी मेनन राजकोट गए और फिर मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचकर उन्होंने काठियावाड़ी नेताओं से मुलाकात की। दरअसल उस दौर में बहुत से काठियावाड़ी कारोबारी ऐसे भी थे जिनके घर तो जूनागढ़ में थे लेकिन वो व्यापार के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए। इन्हीं में से एक थे काठियावाड़ राजकीय परिषद के नेता उच्छंग राय ढेवर। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के रिटायर प्रोफेसर एस वी जानी ने अपनी किताब में लिखा है, ढेवर भाई ने बीपी मेनन को बताया हालात ठीक नहीं है, लोगों को बहुत लंबे समय तक नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। मेनन ने ये सारी बातें दिल्ली पहुंचकर सरदार पटेल भाई को बताई। लोग नवाब के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार थे लेकिन पटेल यह नहीं चाहते थे क्योंकि इससे परेशानी काफी बढ़ सकती थी, इसलिए उन्होंने उच्छंग राय ढेवर से कहा था कि सत्याग्रह जैसा कुछ करें। हालांकि उस समय लोगों का मानना था कि सत्याग्रह से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ढेवर भाई को यह विचार पसंद आया क्योंकि वो पक्के गांधीवादी थे और हथियार उठाने के सख्त खिलाफ थे। 25 सितंबर 1947 जूनागढ़ के लोगों ने खुद अपनी सरकार बना ली जिसका नाम रखा था आलजी हुकूमत।
सरदार पटेल ने पाकिस्तान को 4 हफ्ते का समय दिया ताकि वो अपना फैसला वापस ले ले। लेकिन जब जिन्ना ने ऐसा नहीं किया तो आरजी हुकूमत ने विद्रोह शुरू कर दिया। आरजी हुकूमत को जनता का पूरा साथ मिला। एक एक करके इस हुकूमत ने अमरापुर, नवागढ़ और खादगढ़ जैसे गांव पर नियंत्रण कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जूनागढ़ के अंदर आने वाले 2 रियासतों के हिंदू राजाओं ने अपनी रियासतों को भारत में शामिल करने की घोषणा कर दी। जूनागढ़ ने इसका विरोध की, लेकिन अब ये दोनों ही रियासतें भारत का हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए भारत सरकार ने वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी को भेज दिया। एक तरह से इंडियन आर्मी जूनागढ़ पहुंच चुकी थी। 24 अक्टूबर 1947 जूनागढ़ के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ आरजी हुकूमत भी आगे बढ़ती जा रही थी। इन हालातों से घबराकर नवाब महावत खान अपने पूरे परिवार, अपने पसंदीदा कुत्तों, नकदी, जवाहरात, पैसों से भरे बक्सों को प्लेन में रखकर 25 अक्टूबर की रात को ही पाकिस्तान भाग गए। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि 24 अक्टूबर को भुट्टो ने जिन्ना को पत्र लिखा कि अब हमारे पास पैसे नहीं है और अनाज भी इतना कम है कि हमें चिंता सताई जा रही है। नवाब साहब और उनके परिवार को चले जाना पड़ा। काठियावाड़ के मुसलमानों को भी पाकिस्तान में कुछ दिख नहीं रहा था। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ साथी कैप्टन हार्वे जॉन्स ने आपको परिस्थिति की गंभीरता बता दी ही होगी। सौराष्ट्र के जाने माने इतिहासकार शंभू प्रसाद देसाई ने जूनागढ़ पर लिखे एक लेख में उस दौर के जूनागढ़ के हालातों को बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि जूनागढ़ पूरा उजड़ गया था। सभी रास्तों पर वीरानी फैली थी। दीवान शाहनवाज भुट्टो और पुलिस कमिश्नर मोहम्मद हुसैन नकवी बल प्रयोग करके लोगों के गुस्से को शांत कर रहे थे और आरजी हुकूमत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरजी हुकूमत की सेना आगे बढ़ रही थी और शाहनवाज भुट्टो के पास कोई खास विकल्प नहीं थी। इन हालातों से जिन्ना भी यह समझ चुके थे कि जूनागढ़ की मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी पीछे हट गए। खुद को अकेला पाकर भुट्टो ने आरजी हुकूमत से जूनागढ़ संभालने की दरख्वास्त की, लेकिन 8 नवंबर को उन्होंने यह दरख्वास्त बदल दी। उसने कहा कि आरजी हुकूमत नहीं बल्कि भारत सरकार जूनागढ़ को कब्जे में ले ले। पटेल इसी दरख्वास्त का इंतजार कर रहे थे। अगले ही दिन 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार ने जूनागढ़ को कब्जे में ले लिया। यही वजह है कि 9 नवंबर को जूनागढ़ को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन जूनागढ़ के विलय होने के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत की आलोचना करनी शुरू कर दी। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर मेनन और नेहरू ने पाकिस्तान भेजने के लिए एक संदेशा तैयार किया, जिसमें लिखा गया था कि हमने भुट्टो की अर्जी को स्वीकार किया है, लेकिन कानूनी तौर पर जूनागढ़ से जुड़ने से पहले वहां के लोगों का मत हम जरूर जानेंगे। कहते हैं कि नेहरू के इस संदेश ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। वो ऐसे जब जूनागढ़ के दीवान ने खुद भारत सरकार को न्योता दिया था तो जनमत संग्रह की जरूरत नहीं रह गई थी। जूनागढ़ के लोगों की भी ऐसी कोई खास मांग नहीं थी। सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे कि जनमत संग्रह हो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जूनागढ़ में जनता की राय ली गई तो पाकिस्तान कश्मीर में भी वोटिंग करवाने की मांग करेगा। लेकिन नेहरू तो संदेशा भेज चुके थे, अब बैठे बैठाई आई मुसीबत से पटेल को ही निपटना था। 20 फरवरी 1948 जूनागढ़ में वोटिंग हुई और 201,457 रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 190,817 लोगों ने अपना वोट दिया, जिसमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ 91 वोट मिले थे। अब जिन्ना अपनी असली चाल चलनी शुरू कर दी थी। वह प्यादे का इस्तेमाल करके वजीर का शिकार करना चाहता था। उसने मांग की कि जूनागढ़ के तर्ज पर ही कश्मीर में भी वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन सरदार पटेल ने जिन्ना को उसी की जाल में उलझाने के लिए शतरंज के राजा पर दाव खेल दिया। उन्होंने यह शर्त रखी थी कि यदि कश्मीर में जनता की राय ली जाएगी तो हैदराबाद में भी जनता की राय लेनी होगी। पटेल की यह शर्त जिन्ना को मंजूर नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हैदराबाद के निजाम ने रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने का वादा कर चुके थे। ऐसे में यदि जनता की राय ली जाती तो वहाँ की 85% हिंदू जनता भारत के पक्ष में ही वोट करती। जिन्ना नहीं चाहता था कि वह वजीर के चक्कर में राजा को भी खो दे,
इसलिए उसने हैदराबाद में जनता की राय लेने से मना कर दिया। इस पर पटेल ने भी साफ साफ कर दिया कि यदि हैदराबाद में वोटिंग नहीं होगी तो कश्मीर में भी वोटिंग नहीं कराई जाएगी। पटेल के जाल में जिन्ना ऐसे उलझा कि उसके हाथ आखिरकार कुछ भी नहीं लगा। इस तरह वजीर और राजा दोनों को उठाने के चक्कर में जिन्ना के हाथ से प्यादा भी निकल गया। अब जिन्ना के पास आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। साल 1948 में पाकिस्तान ने जूनागढ़ के मसले को यूएन में भी उठाया था, लेकिन बाद में उसने अपना सारा फोकस कश्मीर पर रखा और जूनागढ़ पर कभी बात नहीं की। सरदार पटेल का सलाह जूनागढ़ के लोगों को बहुत काम आई। उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और उन्हें सरदार पटेल का पूरा सहयोग भी प्राप्त था। आखिरकार जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन ही गया। बाद में कश्मीर और हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गए और जिन्ना पाकिस्तान में बैठा बैठा अपना हाथ मलता ही रह गया। इस पूरे खेल में पाकिस्तान के इतिहास में जमकर जग हसाई हुई, लेकिन सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ तो जूनागढ़ के राज परिवार को। वो कैसे? इतिहास की गहराइयों में जाकर यदि देखा जाए तो पता चलता है कि नवाब बनकर जूनागढ़ पर राज करने वाले बाबी समुदाय के लोग एक वक्त पर अफगानिस्तान के कबीलों में रहा करते थे। जब मुगलों को सैनिकों की जरूरत थी तब ये लोग भारत आ गए और मुगलों की मदद करके उनसे करीबियां बढ़ा ली। वक्त के साथ उन्होंने जूनागढ़ पर अपना राज जमा लिया और नवाब बन गए। आलिशान महल, ऐश आराम का जीवन, भारत ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान में तो वे खाली हाथ रह गए। जिस दीवान शहनवाज भुट्टो ने उन्हें पाकिस्तान में जाने के लिए उकसाया था, उनका परिवार आज भी पाकिस्तान की राजनीतियों में खास जगह रखता है। पाकिस्तान के जाने माने नेता बिलावल भुट्टो उन्हीं के परिवार से आते हैं। लेकिन नवाब के परिवार का क्या हुआ, इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। एक तरफ भारत में शामिल होने वाले नवाब, राजा, महाराजा आज भी ऐश आराम के जीवन जी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाने वाले नवाबों का क्या हुआ, इसका कहीं कोई जिक्र मिलता ही नहीं है। लेकिन ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।